हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स, जैसे कि आप हरे धनिया को किस तरीके से एक साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने धनिया, ये देखिए इस तरीके का आपको धनिया ले लेना है। और जो इसके खराब खराब पत्ते होते हैं, सड़े गले, वो आपको निकाल लेने हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का आपको तोड़ना है। ये देखिए इस तरीके का ऊपर के डंठल होते हैं मोटे मोटे, वो आपको नहीं लेने हैं। जो कच्चे डंठल होते हैं वही आपको लेने हैं। और इस तरीके का बीच में जो ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशबू इसके अंदर ही होती है। तो इस तरीके से आपको साया धनिया को छांट लेना है। ये देखिए, चलिए मैं छांट लेती हूँ साया धनिया को। इस तरीके से आपको कच्चे कच्चे इसके डंठल लेने हैं। तो ये देखिए सारे धनिया मैंने छांट लिया है इस तरीके से। इसके जो खराब पत्ते थे वो मैंने निकाल दिए थे। और इस तरीके से आपको पकड़ के इसे बारीक बारीक कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैं इसे बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। बहुत बारीक बारीक कट कर लीजिएगा आप। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ किस तरीके से आपको बारीक बारीक कट करना है। और बारीक बारीक कट करके इसे हमें वॉश करना है 2-3 बार, अच्छे ठंडे पानी से वॉश करना है। बिल्कुल भी गर्म पानी आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अगर आप गर्म पानी का यूज़ करेंगे धोने में तो आपके जो पत्ते हैं वो फ्रेश नहीं रह पाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो इसलिए आपको ठंडे पानी का यूज़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो आप जिस पानी में आप धो रहे हो उस पानी में आप बर्फ़ डाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया था और अब मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतने धनिया को ही स्टोर करने वाली हूँ तो आपको गलत लग रहा है। मैंने यहाँ पे लिया है पूरा 2 किलो धनिया। ये सारा धनिया मैं स्टोर करने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है अभी तो हमें धनिया सस्ता मिल जाता है, 20 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। गर्मी में आपको ये 300 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसे ठंडी में ही स्टोर करके रख देती हूँ। तो आजकल धनिया का सीज़न है, 10 रुपये, अब 20 रुपये आपको किलो मिल जाता धनिया। तो इस तरीके से मैंने धनिया को धो लिया था, ठंडे पानी से धोना है आपको, मैंने आपको बताया था। और इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे लिया है मैंने अखबार मैंने बिछा लिए थे न्यूज़पेपर। और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है, इसे हमें पंखे की छांव में सुखाना है, नीचे पंखे के नीचे सुखाना है। अगर आप धूप में सुखाएंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो काले और पीले पड़ जाएंगे, धनिया बिल्कुल हरा भरा नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से आपको सारा धनिया फैला लेना है और ये धनिया 2 से 3 दिन में आपका सूख के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं फैला रही हूँ, इस तरीके से आपको इसे धनिया को फैला लेना है। ये देखिए सारा धनिया मैंने इस तरीके से फैला लिया है। ये देखिए आपको अलग अलग पत्ते कर देने हैं सारे। तो ये देखिए मैंने फैला लिया था। और अब देखिए आप, ये हैं मेरे पूरे 2 से 3 दिन मेरे हो चुके हैं। ये देखिए धनिया मेरा अच्छी तरीके से फ्रोजन बन चुका है। ये देखिए अब आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं एक पॉलिथीन में, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। क्या कीजिए, इसमें से निकालिए, सीधा सब्जी में डाल लीजिए, क्योंकि पहले से हमने इसे धोया हुआ है, धोने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो इस तरीके से आप इस धनिया को फ्रोजन रख सकते हैं, एक साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा थोड़ी इसमें नमी है तो आप इसे धूप में 1 घंटे के लिए ऊपर से कपड़ा ढक के सुखा लीजिएगा, अगर आपको लगे तो। लेकिन धूप में सुखाइएगा तो ऊपर से एक कपड़ा रख दीजिएगा ताकि सूरज की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट आपके धनिया में ना पड़े। तो ये देखिए मेरा धनिया कितना हरा भरा है, ये हमने स्टोर करके रख लिया है पूरा। ये 1 साल चल जाएगा, आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा धनिया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।